नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम निफ्टी और निफ्टी से जुड़े हुए स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि क्या लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए और जो स्टॉक निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए। दोस्तों, यहाँ पर देखिए निफ्टी, यहाँ से अगर देखा जाए तो 14,423 से हम पहुँच चुके हैं। अभी 14,866 का हमने हाई लगाया, 861 का हमने हाई लगाया है और यहाँ पे आके हमने एक दोजी कैंडल बनाई हुई है निफ्टी में। तो निफ्टी में ये दोजी कैंडल बनी हुई है और अगर आवरली चार्ट पे देखेंगे तो आप कंटिन्यू इसी जगह पे हमने पूरे दिन हमने बिताया था, यानी फ्राइडे का सेशन इसी लेवल के आसपास हमने सारा दिन, ज़्यादा ऊपर और नीचे हम गए नहीं। एक रेंज हमने 100 पॉइंट की पकड़ी, उसी रेंज के अंदर में हम ट्रेड कर रहे थे। डेली चार्ट पे देखेंगे तो जैसे ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा, तो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी ये लगभग 15,000 के आसपास का हमारे पास ये रेजिस्टेंस मिलेगा ट्रेंड लाइन का। अगर हमें ट्रेंड लाइन के ऊपर हम क्लोज करते हैं तब हम यहाँ निकल सकते हैं 15,400 के आसपास तक, उसके बाद हम जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें एक क्लोजिंग चाहिए 15,050 के ऊपर निफ्टी में। 15,050 के ऊपर की क्लोजिंग ही निफ्टी को 15,400 के पास तक लेके जाएगी। अभी हम क्लोज कर रहे हैं 15,823 के आसपास, हमने यहाँ पे आके क्लोज किया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे जो हमने ये हाई लगाया है और यहाँ पर भी आप ध्यान से देखिए, इस रेंज को आप ध्यान से देखिए, तो ये एक क्रिटिकल जोन है, एक रेजिस्टेंस जोन है हमारे लिए, जो कि यहाँ पे बनी हुई है 14,800 से लेकर के 14,870 के बीच में। ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट जोन है, इस रेंज के अंदर में एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर हम इस रेजिस्टेंस को कंटिन्यू क्रॉस कर देते हैं, इसके ऊपर हम कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो हमें एक मोमेंटम मिल सकती है। वो मोमेंटम हमें कहाँ पे लेके जाएगी, 15,000 के आसपास तक। वो मोमेंटम हमें इसी फ्लो में लेके जा सकता है, लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करें। ध्यान से देखिए तो कई बार हमने इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है, इस रेजिस्टेंस के हम आसपास आते हैं और वहाँ से वापस हम फिर से नीचे की साइड में मूव कर जाते हैं। तो यानी ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पर सेलर आके एक्टिव हो जाते हैं इस लेवल के आसपास, जब भी मार्केट आता है सेलर यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं और वापस उसको लेके आते हैं नीचे की तरफ, 300-400 पॉइंट निफ्टी को नीचे की तरफ वो लेके आते हैं। तो यहाँ से अगर वापस सेलर एक्टिव होते हैं और ये वापस 14,700 के नीचे ट्रेड करेगा तो फिर हम वापस कहाँ पे आएंगे, 14,400 के आसपास आएंगे। अभी हमने एक सही जगह पे क्लोजिंग तो जरूर दी है। अभी ये डेली चार्ट है, चलिए मैं इसका आवरली चार्ट आपको दिखाता हूँ। तो आवरली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने इसी जगह पे कंसोलिडेट किया, यानी लास्ट सेशन में हमने इस जगह पे कंसोलिडेट किया है, काफ़ी देर तक हमने कंसोलिडेट किया। अब ये दोनों ही तरह की चीज़ें हमारे लिए यहाँ पे अच्छी होंगी। अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर निकलता है तो हम ये टारगेट पकड़ सकते हैं कि हम 15,050 के पास जा सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इस जोन पे रेजिस्टेंस लेता है और इसको ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पाता है और ये नीचे की तरफ 14,700 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो समझ जाइएगा हम नीचे की तरफ वापस 14,400 की तरफ बढ़ चुके होंगे। हमारे लिए ये जो जोन है ना, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। जो गैप बना हुआ है, ये गैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट को यहाँ से निकलना है तो यहाँ से निकल के ये 15,000 के पास तक जा सकता है। एक आवरली कैंडल अगर 14,850 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन होने लगी तो समझ जाइएगा कि हम 15,000 के आसपास तक यहाँ पे निफ्टी में पहुँच सकते हैं। तो निफ्टी में इंपॉर्टेंट है 14,850 का लेवल। अब हमें अगर इसे मंडे को ट्रेड करना, मान लीजिए हमें निफ्टी को मंडे को ट्रेड करना है तो हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, तो यहाँ पर हम एक 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं निफ्टी के लिए। अब निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ध्यान से देखिए, तो 15 मिनट के चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए बन रही है। तो ऊपर की तरफ हम कम बाइंग कर सकते हैं, ऊपर की तरफ हम बाइंग तब करेंगे जब हम 14,865 को निकालेंगे। तब पहला टारगेट हमारा यहाँ पे होगा 14,910 का, दूसरा टारगेट हमारा होगा 14,950 का और तीसरा टारगेट हमारा होगा 14,990 का टारगेट होगा हमारा निफ्टी में। फर्स्ट टारगेट 14,910 का, सेकेंड टारगेट 14,950 का और थर्ड टारगेट हमारा 14,990 का होगा। अगर हम 14,865 को ऊपर की तरफ क्रॉस करते हैं तो इसी लेवल पे ओपन होने के बाद, मान लीजिए अगर हम यहाँ से 14,850 पे ना ओपन होके हम 14,950-960 पे ओपन होते हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले बताया कि 15,000 का एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है। तो हम रजिस्टेंस के जितना पास पहुँचेंगे वहाँ पर सेलर ज़्यादा एक्टिव होंगे, तो ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन होने का मतलब है कि मार्केट वहाँ रेजिस्टेंस ले सकता है, फिर हमें वहां पे इंतजार करना पड़ेगा। अगर उस लेवल के पास मान लीजिए हम 100-150 पॉइंट गैप अप ओपन होते हैं और पहली 5 मिनट की कैंडल यहां पे एक निगेटिव कैंडल बनती है और उसके नीचे हम ट्रेड करते हैं तो यहां पे हम सेल की पोजीशन बना सकते हैं निफ्टी में, अगर हम बहुत बड़ा गैप अप ओपन होते हैं उसके बाद।
20 25 50 पॉइंट के गैप पे हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट किस तरह से वहाँ पे रिएक्ट करता है, किस तरह से वहाँ पे ट्रेडर अपनी पोजीशन बनाते हैं। लेकिन अगर मार्केट नीचे ओपन होता है 14,865 के आसपास, तो हमारे लिए यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी रहेगी। सेल करने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा 14,760 के नीचे हम ट्रेड करेंगे, उसके बाद ही हम सेल कर सकते हैं। 14,760 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करेगा तब हम सेल कर सकते हैं। 14,710 फिर 14,660 और उसके बाद हमारा टारगेट होगा 14,610 का। ये तीन टारगेट हमारे निफ्टी में होंगे अगर हम नीचे की साइड में 14,760 को ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ध्यान रखिएगा ऑलरेडी हम 823 पे क्लोज है, तो यहाँ पे 60 पॉइंट नीचे अगर इसी फ्लो में 60 पॉइंट आए और ब्रेक करे तो हमें सेल नहीं करना है, यहाँ पे इंतजार करना है, रेंज बनेगी उस रेंज को फिर हमें सेल करना है, तब हमें ये टारगेट मिलते हुए दिखेंगे निफ्टी में। दोस्तों अगर आप भी हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आपको जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स या अलायंस ब्लू में से किसी एक में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद लॉगिन आईडी दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रीमियम ग्रुप में मैं बैंक निफ्टी की स्टॉक से कुछ रिसर्च पोस्ट करते रहता हूँ, कुछ चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ, इंपॉर्टेंट लेवल वहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ, जिसको आप देखिए समझिए और सीखते रहिए। दोस्तों चलिए देख लेते हैं निफ्टी में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो निफ्टी को ऊपर और नीचे ले जाने में मदद कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक्स हमारा यहाँ पे अदानी पोर्ट, जैसा कि बताया अदानी पोर्ट जब तक ये 770 के ऊपर 770-775 के ऊपर क्लोज नहीं करता तब तक हमें यहाँ पे लेके नहीं जाना है। एशियन पेंट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, तो देखते हैं ट्रेंड लाइन के पास ये क्या ट्रेड करता है। अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद वापस ये 2500 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर हम 2350 तक आ सकते हैं। बजाज ऑटो कंटिन्यू फिर से कंसोलिडेट करा, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया था 3700 पे हम बाइंग करेंगे, 3900 का हमारा टारगेट रहेगा, वो टारगेट हमारा अचीव हो चुका है। फिर से यहाँ पे एक नई रेंज बन रही है 3780 और ऊपर की तरफ यहाँ पे 3960, तो अगर अब ये 4000 के ऊपर क्लोज करेगा तभी नया मोमेंटम बनेगा जो कि इसको 4200 के पास तक लेके जा सकता है। बजाज फिंसर इसको भी मैंने ऑलरेडी आप लोग को रिकमेंड किया था 10,000 के ऊपर बाइंग करने के लिए, हमारा टारगेट जो था इस पे 11,000 का, वो टारगेट अचीव हो चुका है। वापस ये फिर से एक रेंज बना रहा है, अगर इस रेंज को निकालता है तो वापस यहाँ पे जो टारगेट होंगे वो लगभग 12,000 के रहेंगे हमारे बजाज फिंसर में। बजाज फाइनेंस इंतजार कीजिए, कुछ नहीं करना है, भारतीय एयरटेल अपमूव में है तो जिसके पास पोजिशन है वो ट्रेल कीजिए। यहाँ पे BPCL देखिए काफ़ी कंसॉलिडेट के बाद ऊपर की साइड में निकला है और एक ब्रेकआउट इसने यहाँ पे दिया है, तो अब इसको हम बाइंग करेंगे। इस हाई के ऊपर निकलता है तो बाइंग कर सकते हैं, इंट्राडे में आपको यहाँ पे 450 और 455 के टारगेट मिल सकते हैं। ब्रिटानिया कंसोलिडेट कर रहा है तो और कंसोलिडेट करते हैं, एक दो दिन और कंसोलिडेट करने के बाद अगर ये 3500 के लेवल को निकाले तो इसे 3400 का टारगेट स्टॉपलेस लगाइए और टारगेट यहाँ पे 3600 का रहेगा। सिप्ला कुछ नहीं करना है, कोल इंडिया में भी अभी कुछ नहीं है मेरा व्यू, डिविज लैब यहाँ पे बने रहिए, आप स्टॉपलेस को बस ट्रेल करते रहिए। डॉक्टर रेड्डी में भी 5300 के ऊपर ब्रेकआउट होगा जो कि इसको 5500 के पास तक लेके जाएगा। दोस्तों अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं घनश्याम टेक एनालिसिस, लगभग 1,10,000 मेंबर वहाँ पे जुड़े हैं तो आप भी वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। आइसर मोटर अभी कुछ नहीं करना है, ग्रासिम में जिसके पास पोजीशन है वो बने रहिए क्योंकि ग्रासिम अब पहुंच चुका है अपने पिछले रेजिस्टेंस लेवल के आसपास में, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट जरूर रहिएगा। SCL टेक्नोलॉजी अभी कुछ नहीं करना है, HDFC लिमिटेड जो सपोर्ट है वो 2350 के आसपास, जैसे मैंने बताया 2350 का इसका सपोर्ट है, इसके नीचे ब्रेक करेगा तो काफ़ी तेज़ी से ये 2150 की तरफ बढ़ सकता है, लेकिन ये सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा रहा तो इसके लिए जो रेजिस्टेंस अब है वो 2620 का है। HDFC लाइफ कुछ मत कीजिए, वेट कीजिए। यहाँ पे हीरो मोटोकॉप में भी कुछ नहीं करना है, हिंडाल्को ने देखिए ब्रेकआउट दिया, जैसे कि मैंने बताया था अगर 380 के ऊपर निकलता है तो हमारा टारगेट यहाँ पे 400 और 420 का रहेगा, तो 400 का टारगेट अचीव हो चुका है, 420 के टारगेट के लिए आप इसे होल्ड कर सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर मेरे ख्याल से अब यहाँ पे शायद एक ब्रेकआउट की तैयारी करेगा, लेकिन वो तब जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे उसके बाद ही हम इसे बाइंग करेंगे। ट्रेंड लाइन के ऊपर यानी 2450 के ऊपर क्लोज करे तब इसे लेके जाइएगा, स्टॉपलेस लगा लीजिएगा 2380 का। स्टॉक हमारा इन्फी में जो सपोर्ट है वो 1300 से लेकर 1320 के आसपास में है, उसी तरह से जो रजिस्टेंस है वो 1380 के आसपास में है इन्फी में। IOC में मेरा अभी कोई व्यू नहीं है, वेट करते हैं। ITC जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया था कि 199 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाइए और इसको जिससे बाइंग करना है बाइंग के, लेकिन बेस्ट मोमेंट इसको 208 के ऊपर निकलेगा तभी आएगी। JSW स्टील यहाँ पर भी मैंने बताया था कि रेंज को ब्रेक करे तो यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे 820 के टारगेट के लिए, तो यहाँ पर आप बने रह सकते हैं, लेकिन ये भी मैंने बताया था कि अगर ये 710 के नीचे क्लोज करेगा तो काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ जा सकता है, लेकिन ऊपर की साइड का इसने ब्रेकआउट दिया है तो अब जिसने भी पोजीशन बनाई है वो 710 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा।
एलएनटी अभी कुछ नहीं करना है, एमएनएम में भी मेरा अभी कोई व्यू नहीं है, मारुति मेरे काफ़ी चार्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ पे देखिए काफ़ी कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में निकल रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक 68 के ऊपर क्लोज करे तो जो रिस्की ट्रेडर है थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं आप, 65-50 का एसएल लगाइए और मेरे ख्याल से टारगेट आपको 72 के मिल सकते हैं, लेकिन बाइंग तभी करना जब ये 68 के ऊपर क्लोज करेगा उसके बाद। नेस्ले अभी मेरा कोई व्यू नहीं, एनटीपीसी कुछ नहीं, ओएनजीसी में भी कुछ नहीं, पावर ग्रिड में भी कुछ नहीं करना है, रिलायंस इंडस्ट्रीज वेट कीजिए, यहाँ पर भी एसबीआई लाइफ 1000 के ऊपर क्लोज करने दीजिए उसके बाद हम देखेंगे। श्री सीमेंट अभी कंसोलिडेट कर रहा है तो मुझे अगर कंसोलिडेट के बाद अगर ये 28,150 के ऊपर क्लोज करे तो इसका स्टॉप लॉस लगाइए 27,300 का और टारगेट मेरे ख्याल से पहला टारगेट आपको 29,000 और फिर 30,000 के टारगेट मिल सकते हैं। सन फार्मा बने रहिए स्टॉप लॉस के साथ में, टाटा मोटर ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट कर चुका है, लेकिन ध्यान रखिएगा एसएल आप 285 का जरूर लगा के रखिएगा। टाटा स्टील कंटिन्यू ऊपर की साइड में चला जाता है, मैंने बोला था कि बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए। यहाँ पे टीसीएस कुछ नहीं करना है। टेक महिंद्रा मुझे कल के सेशन के लिए थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो अगर आज के हाई के ऊपर निकलता है यानी फ्राइडे के हाई के ऊपर निकलता है तो इसे आप बाइंग कर सकते हैं। टाइटन में कोई व्यू नहीं है, अल्ट्राटेक सीमेंट वेट कीजिए, यूपीएल में भी जैसा कि मैंने बताया था कि 620 के ऊपर हमारा टारगेट 640 का रहेगा तो वो टारगेट अचीव हो चुका है। विप्रो यहाँ पे काफ़ी अच्छी मूवमेंट दे रहा है तो विप्रो को आप देख सकते हैं नेक्स्ट सेशन में। और टाटा कंज्यूमर जो कि मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था 640 का, उस लेवल को ये ब्रेक करके नीचे की तरफ आ गया तो यहाँ पे अभी बाइंग का कोई व्यू मत बनाइएगा मेरे ख्याल से। शायद इस फ्लो में यहाँ मुझे लग रहा है इसका रिजल्ट आया है शायद, इसीलिए वॉल्यूम भी यहाँ पे ज़्यादा है और इसने लो भी ऑलरेडी 613 का लगाया है। अब एक दो दिन वेट करिए उसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या व्यू हमारा बन के आता है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।